सोमवार है आज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री आवास पर शिव मंदिर में किया जलाभिषेक। गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी थी उनके साथ मौजूद और राजीव अरोड़ा भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। मंत्रोच्चार के साथ गहलोत ने किया जलाभिषेक। तो सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस मौके पर हर तरफ भक्ति और आस्था ही नजर आ रही है। फिर चाहे वो आम हो या खास, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जहां एक तरफ शिवालयों में दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं अपनी मन्नतों को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी पत्नी के साथ आज जलाभिषेक किया, आरती की, पूजन किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है और इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सावन का महीना शिव को अति प्रिय माना गया है और इसी वजह से कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीजों की नहीं, एकमात्र जल के लोटे से ही अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे और उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान की आरती की। तो आज दो दो पर्व एक साथ हैं, एक तो सावन का आखिरी सोमवार और दूसरा बकरीद। तो हर तरफ आस्था और भक्ति ही दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जो पत्नी हैं सुनीता गहलोत उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही उनके परिवार के और भी सदस्य यहां नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये विशेष पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। तो इस बार सावन के महीने में चार सोमवार पड़े हैं और आज आखिरी सोमवार है। इसी वजह से मंदिरों में हर तरफ रौनक ही दिखाई दे रही है। सुबह से ही दूर दूर से शिव भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। लेकिन आज दिन की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगवान शिव की आराधना के साथ की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ में भाग लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ। शिव मंदिर में जलाभिषेक उनकी तरफ से किया गया। तो भले ही अपने रूटीन के कामकाज में, फिर चाहे वो आम हो या खास, हर कोई व्यस्त हो, लेकिन जब एक खास मौका आता है, जब एक खास पर्व आता है, तो फिर ये मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव की आराधना के साथ की। शिव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्रोच्चारण करवाया गया पंडित जी की तरफ से। इसके साथ ही विशेष आरती गाई गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी उनके साथ मौजूद रही और राजीव अरोड़ा भी अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है।
तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसी वजह से आज शिवालयों में और ज्यादा रौनक नजर आ रही है। एक तरफ भाईचारे के प्रतीक का त्योहार बकरीद मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ सावन का आखिरी सोमवार है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर शिव मंदिर में मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है इसलिए फिर चाहे वो आम हो या खास, हर कोई आज शिव की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए हर कोई शिव की आराधना में है क्योंकि आखिरी सोमवार है जैसे आपने कहा। तो जो भी चाहे पूरे शहर की बात करें, और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास पे जो मंदिर है उस मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक किया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत इस जलाभिषेक कार्यक्रम में मौजूद थे। और मुख्यमंत्री आवास पे जितना भी स्टाफ है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी की बात करें या कुछ मुख्यमंत्री के मित्र, चाहे राजीव अरोड़ा हो या जीएस पापना हो, सभी इस जलाभिषेक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तन्मयता से पूजा की है, काफी देर तक वो पूजा में शामिल रहे और उसके बाद उन्होंने प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। खास बात यह है कि इस जलाभिषेक के बाद आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पे ही प्रसादी का कार्यक्रम भी होगा। क्योंकि सावन का महीना है तो दाल बाटी चूरमा जयपुर का जो प्रसिद्ध प्रसाद होता है, खाना होता है, उसका आयोजन भी आज यहाँ पे होगा। तो इस जलाभिषेक का जो कार्यक्रम है उसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन मुख्यमंत्री के ओएलसी की बात करें और अन्य जो अफसर हैं जो सीएमआर पे हमेशा मौजूद रहते हैं, जलाभिषेक में मौजूद थे। पंडित जो है उन्होंने, जो इस मंदिर के पंडित है, उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ जो है पूजा अर्चना कराई है और कुछ पुस्तक भी है उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट की है। तो ऐसे में आज जो सावन का जो आखिरी सोमवार है उस पर मुख्यमंत्री ने पूजा करके प्रदेश में खुशहाली की कामना की और साथ ही ये भी उम्मीद की है कि लोग जो है वो इस पावन पर्व को काफी अच्छी तरह से उसको मनाया जाए। क्योंकि आज पूरे जयपुर में कहें, क्योंकि छोटी काशी कहलाती है, पूरे जयपुर में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री आवास पे जो शिव की पूजा का आयोजन हो तो बिल्कुल ये अपने आप में खास आयोजन बन जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश इस जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में।